हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2009 में आई एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म द अनबॉर्न की, जिसे डायरेक्ट किया है डेविड एस कॉयर ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 4.8 out of 10। मूवी की शुरुआत होती है एक केसी नाम की लड़की के साथ जो मॉर्निंग वॉक कर रही होती है। वहाँ उसे एक 4 साल का बच्चा दिखाई देता है जो उसकी तरफ घूरे ही जा रहा था। कैसे के नोटिस करने पर वो तुरंत एक डॉग में बदल जाता है, जिसके बाद जब कैसी उसके पास जाती है तो उसे डॉग का पहना हुआ मास्क दिखता है। उस जमीन के जहाँ मास्क पड़ा था वहाँ मिट्टी हटाने पर उसे एक डरावना चेहरा दिखता है, जिससे उसकी तुरंत आँख खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना ही था। इस बारे में वो अपनी सहेली रोमी को बताती है, जहाँ वो उसकी बातों को हवा में उड़ा कर कुछ न कुछ इधर उधर की रीजंस देने लगती है कि तुम डरावनी कहानियाँ जरा कम देखा करो। कैसी एक स्टूडेंट थी जो पार्ट टाइम जॉब के लिए एक परिवार के यहाँ बेबी सिटिंग का काम करती थी। वहाँ बात करते करते उससे मैट नाम के एक बच्चे की आवाज़ आती है जिसको वो देखभाल करती थी। वो जब जाकर देखती है तो मैट उस पर कांच के टुकड़े से अटैक कर देता है, जिससे उसके मुंह पर थोड़ा सा खून निकलने लगता है। सपने में जो बच्चा आया था वो असल में मैट ही था। अगले दिन वो अपने घर में ऑमलेट बनाती है, जहाँ अचानक एक कॉकरोच उसके पैन में आकर गिर जाता है, जिस वजह से वो तुरंत पैनिक होकर उसे सिंक में डाल देती है। वहाँ उसे तभी वही मैट दिखता है, लेकिन वो उसका सिर्फ एक हेलुसिनेशन ही था। ये सब बात वो दोपहर को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बताती है, लेकिन एज यूजुअल उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करता और बल्कि उल्टा उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं। क्लासरूम में लेक्चर लेते वक्त वो फिर से हेलुसिनेट होना शुरू हो जाती है, जहां उसे बार बार यही लिखा हुआ दिखता है कि ज़ॉम्बी वांट्स टू बॉर्न। तभी तुरंत एक कॉकरोच उसकी नोटबुक पर गिरता है, जिस वजह से वो तुरंत क्लास छोड़कर भाग जाती है। वहीं नहाने के बाद जब रोमी कैसी से मिलती है तो वो उसकी आंखों का कलर चेंज पाती है, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर उसे एक बीमारी के बारे में बताते हैं और फर्दर स्टडी करने के लिए उसकी डिजिटल इमेजेस खींच लेते हैं। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ घर जाती है, जिसके बाद वो दोनों आज रात को मिलने का प्लान बनाते हैं। वहाँ रास्ते में कैसी को फिर से मैट दिखता है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। रात को फिर कैसी और मार्क एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें कैसी अपनी बचपन के बारे में उसे बताती है कि बचपन में उसकी मॉम का एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उसकी मॉम ने पागलपन की हालत में सिर्फ उसे यही कहा था कि वो एक अडॉप्टेड थी और उन्हें उसकी रियल मॉम के बारे में पता चल गया था, और ये कहने के बाद उन्होंने उसी रात को फांसी लगा ली थी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम में जाकर अपना फेस वॉश करती है, जहां उसे शीशे के पीछे कई आवाजें सुनाई देती हैं और खोल के देखने पर उसे उसके अंदर मैट दिखता है जो एक राक्षस के रूप में था। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद जब वो चिल्लाती है तो मार्क वहाँ उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि असल में वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन मॉर्निंग वॉक पर आते समय उसे मैट के बारे में पता चलता है कि कल रात मैट के ब्रदर की मौत हो गई थी। वहीं फिर वो डॉक्टर से रिपोर्ट लेने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये डिसऑर्डर सिर्फ उन्हें ही होता है जिसका कोई ट्विन्स हो, लेकिन उसका कोई भी ट्विन नहीं था, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है और इस बारे में अपने पिता से डिस्कस करने जाती है, जहां उसे अपने डैड से पता चलता है कि उसका एक ट्विन भाई था जो अपनी माँ के पेट में ही मर गया था। उसका निकनेम उन्होंने ज़ॉम्बी रखा था। कैसी अब ज़ॉम्बी के बारे में और अपनी मॉम के सुसाइड के बारे में पता करने के लिए पुरानी एल्बम्स देखती है, जहां उसे अपनी मॉम की कई तस्वीरें और फिल्म टेप्स मिलती है। उन तस्वीरों में भी उसे मैट दिखने लगता है। वहां उसे उन तस्वीरों में अपनी मॉम के साथ एक और लेडी की तस्वीर मिलती है जो अब ओल्ड एज होम में है, इसलिए वो रोमी को लेकर वहाँ उनसे मिलने जाती है, जहाँ वो ओल्ड लेडी उसे देखते ही पहचान लेती है कि वो ट्विन्स है। उस लेडी ने अपने कमरे के सारे शीशे हटाए हुए थे, जिससे किसी को ये पता चल जाता है कि ये जरूर मेरी ही तरह की कंडीशन फेस कर चुकी है, जिसके बाद वो उससे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है। ओल्ड लेडी पहले तो उसे बहुत प्यार से मना कर देती है कि वो उनकी मॉम को नहीं जानती, लेकिन जब वो मैट की तस्वीर उसे दिखाती है तो ओल्ड लेडी बहुत घबरा जाती है और पैनिक होकर उन्हें तुरंत वहाँ से भगा देती है। इससे कैसी और रोमी दोनों को ही बहुत अजीब लगता है और कैसी को लगने लगता है कि ये ओल्ड लेडी जरूर कुछ जानती है। वो रोमी को बताती है कि मैट का भूत मुझसे यही कहता है कि ज़ॉम्बी वांट्स टू रिबॉर्न, मतलब असल में वो ज़ॉम्बी का भूत ही था जो मैट के शरीर में था। इन सब बातों को सुन रोमी उसे पागल के वहाँ से चली जाती है। रात को कैसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन फिल्म टेप
टेप्स को देखती है जिसके अंदर सिर्फ उस मेंटल हॉस्पिटल की ही बिल्डिंग थी जहां उसकी मॉम ने सुसाइड की थी। उसे लगने लगता है कि उसकी मॉम कैसी के लिए ही ये सारी टेप्स छोड़ कर गई हैं और वो जरूर कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ये सब उसको सिर्फ एक वहम ही कह रहा था। उसके बाद वो उसे रिलैक्स करवाने के लिए एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ रोमी और उसका बॉयफ्रेंड भी था। वहाँ कैसी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसके बाद उसे फिर से बहुत सारे मैट दिखने लगते हैं, लेकिन तभी उसे वॉमिट होने लगती है जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ पहले तो अपनी मॉम का भूत वो देखती है जिसके बाद उसे बहुत सारे कॉकरोचेस दीवार पर होल पे से निकलते हुए दिखते हैं, जिससे डरकर कैसी बाहर भागने लगती है, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाती है। ये सुन मार्क और रोमी दोनों वहाँ पर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो आते हैं कैसी को कॉकरोचेस दिखने बंद हो जाते हैं। अब वो इस सबसे बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी जिसके लिए वो रात को रोमी से उसका कुछ इलाज पूछती है, जिस पर रोमी अपनी दादी माँ का नुस्खा उसे बताती है कि पिलो के नीचे तुम एक सीजर रख कर सोया करो। कैसी बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन रात को सोने की बात वो अपने आप को दीवार से चिपका हुआ पाती है और नीचे बेड पर भी वो अपने आप को ही देखती है। बेड पर उसके बगल में मैट उससे चिपक कर ही सो रहा था और तभी वो अपने हाथ से उसके पेट को फाड़ देता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है जिससे उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। तभी उसे उस ओल्ड लेडी का कॉल आता है जो उससे पहले झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानती थी और तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम अभी मेरे पास आओ। जिसके बाद वो आधी रात में ही उस लेडी से मिलने चली जाती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि मैट 1994 में ओल्ड लेडी का ही ट्विन भाई था और ओल्ड लेडी कैसी की ही ग्रैंड मदर है, उनका नाम सोफी है। उस समय वर्ल्ड वॉर टू में नाज़िस ट्विन पर अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे आंखों में कुछ डालकर, जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए और उनमें से एक सोफी का भाई भी था, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका भाई फिर से जिंदा हो गया। असल में उसके भाई के अंदर एक चुबुके की आत्मा आ गई थी जिससे वो पूरी तरह बदल गया था। ये बात सोफी को भी पता चल गई थी जिस वजह से उसने अपने ही भाई को मार डाला था, जिससे चुबुके चला गया, लेकिन वो यहाँ वापस आना चाहता था और इसी सब कोशिश में ही कैसी की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। कैसी की मॉम भी ट्विंस थी। कैसी की मॉम के बाद अब ये चुबुके कैसी के पीछे पड़ा है, लेकिन कैसी के मन में ये सवाल होता है कि अब इस वक्त ही क्यों चुबुके वापस आया है, जिस पर सोफी उसका आंसर देती है, चुबुके को हमारी दुनिया में आने के लिए टाइम लगता है और अभी चुबुके बहुत कमजोर है जिस वजह से उसे हराया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ती ही जाएंगी। सोफी उसे एक होली थिंग भी देती है जिससे चुबुके काफी हद तक उससे दूर रह पाएगा। सोफी उसे फिर बुक ऑफ मिरर के बारे में बताती है जिसमें उस जैसे डेविल्स को भगाने का तरीका लिखा था, जिसके बाद वो उस बुक को ढूंढ लेती है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने और एक्सोरिसम परफॉर्म कराने के लिए रेविसेंडे के पास जाती है। रेविसेंडे को इन डेविल वगैरह की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन कैसी के इंसिस्ट करने पर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमी ड्राइविंग करते करते मैट को ठोकर मार देती है, लेकिन इसमें मैट को एक चोट तक नहीं आती जिससे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मैट फिर उसे ये धमकी देता है कि अगर तुमने कैसी की मदद की तो चुबुके तुम्हें भी मार डालेगा, जिसके बाद रोमी तुरंत कैसी को ये बात बताने जाती है, जिस पर कैसी रोमी को खुद से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर रोमी ने उसका साथ दिया तो चुबुके रोमी को भी मार देगा, लेकिन एज अ गुड बेस्ट फ्रेंड रोमी उसका साथ देने के लिए कहती है। वहीं रात को ओल्ड एज होम में सोफी को कई आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर वहां जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो अब एक राक्षस बन चुका था। असल में चुबुके ने उसकी बॉडी को वश में कर लिया था जिसके बाद उसने सोफी को बहरेमी से मार डाला। वहीं सैंडे को भी अपने अपार्टमेंट में बुक ट्रांसलेट करते वक्त एक उल्टे सिर वाला जॉग दिखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि कैसी के पीछे सच में एक चुबुके लगा हुआ है। वहीं रात को वो फिर वीडियो कॉल करते समय रोमी के घर की बेल बजती है। कैसी उसे गेट खोलने को मना भी करती है, लेकिन रोमी गेट खोलने जाती है जहाँ मैट ही खड़ा था। मैट के पास एक चाकू था जिससे वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैसी को क्योंकि ऐसा कुछ होने का शक था इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ वहाँ तुरंत पहुँच कर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमी को स्टैब करने के बाद चुबुके रोमी के शरीर में घुस गया था जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं फिर अगले दिन सैंटक एक प्रीस्ट के साथ कैसी पर एक्सोरिसम परफॉर्म करने के लिए डिसाइड करता है। फोपाके और 10 लोगों को लेकर उसी
मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं जहां कैसी की मॉम ने सुसाइड किया था। वो एक्सोरिसम करने वाले 10 लोग थे क्योंकि 10 लोगों की मदद से वो कैसी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना सकते थे। वहां जाकर वो कैसी को एक स्ट्रेचर पर लेटा उसके चारों तरफ सर्कल में खड़ा होने के बाद बुक में लिखे हुए मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन डेबू के इस एक्सोरिसम को रोकना चाहता था जिस वजह से वो उन सब पर हमला कर देता है जिससे कई लोग मारे भी जाते हैं। डेबू के फिर प्रीस्ट को अपने वश में कर लेता है जिसके बाद से वो तुरंत कैसी को मारने के लिए भागता है। इस बीच सैंडिक भी बेहोश हो गया था। कैसी और मार्क दोनों ही उससे बचकर भागते हैं लेकिन कुछ समय बाद ही मार्क आर्थर पर हमला कर उसे बेहोश करने में सफल हो जाता है। लेकिन इसके बाद डेबू के मार्क को ही वश में कर कैसी को मारने लगता है। लेकिन तभी कैसी को होली थिंग याद आता है जिसके बाद वो तुरंत उससे मार्क के गले पर हमला करती है। वहीं तुरंत सैंडिक भी आ जाते हैं जिसके बाद दोनों मिलकर एक्सोरिसम के लिए मंत्र बोलने लगते हैं। जिसके कुछ समय बाद ही एक्सोरिसम कंप्लीट हो जाता है और मार्क नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। डेबू के तो वापस अपनी दुनिया में चला गया था लेकिन इसमें मार्क की मौत हो गई थी जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं फिर कुछ दिनों बाद कैसी को पता चलता है कि वो मार्क की वजह से प्रेग्नेंट है और उसे भी ट्विंस ही होने वाले हैं, जिस वजह से वो समझ जाती है कि अब ही क्यों डेबू के हम पर हमला करने आया था। लेकिन फिर हमें लास्ट में अल्ट्रासाउंड दिखाया जाता है जिस पर हमें पता चलता है कि कैसी तो डूब के से बच गई थी लेकिन अब उसके ट्विंस पर डेबू के की नजर आ चुकी है और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।